हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि मैं आज आप लोग को इस वीडियो में पीडीएफ का कोई पार्ट आप कैसे काट सकते हो और उस पीडीएफ के कटे हुए भाग को कैसे इमेज में कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल सकते हो या फिर बाकी चीज़ें आप आसानी से कैसे कर सकते हो, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल टेक टॉक ऑनलाइन पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि पीडीएफ के किसी भाग को, कुछ भाग को काटना होता है तो आप लोग प्रॉब्लम में होते हो कि पीडीएफ कैसे कटेगी। ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का आपको दिख रहा होगा, तो इस केवल इतने भाग को आपको काटना है, ठीक है? तो यहाँ पर कोई ऑप्शन वगैरह भी नहीं दिखता है, ठीक है? इसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस करना होगा। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस करोगे, ये पेज हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है? जैसा आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, प्लस का साइन बन गया होगा। अब आपको जितने भाग को काटना है, ठीक है, आप कहीं के भाग को काट सकते हो, उतने भाग को आप स्क्रॉल करके, ठीक है, इस तरह से रख सकते हो, यानी काट सकते हो। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे करोगे, ठीक है, ये आपका इमेज एक तरह का कॉपी होने के लिए आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको कॉपी वगैरह दिख जाएगा। तो आप जैसे इसको कॉपी कर लोगे इमेज को, अब इसके बाद ये इमेज कॉपी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि इस पेज को, कॉपी हुए को, आप एमएस वर्ड या फिर एमएस पेंट में कहीं पे भी जाके इसको पेस्ट कर दोगे तो ये इतना इमेज आपका कटा हुआ वहाँ चला जाएगा फ्रेंड, ठीक है? एक बार ध्यान से फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसानी